जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने चंपई सरकार को सशर्त समर्थन देने का ऐलान किया है। हेम्ब्रम ने कहा कि वो चंपई सरकार को समर्थन देंगे, लेकिन उन्होंने झारखंड में शराब पर प्रतिबंध लगाने की सरकार से मांग की है। माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी ने जो शपथ लिया है, तो मैं खुश हूँ और भाई तहे दिल से इनको मैं समर्थन दे रहा हूँ, दूंगा कल। लेकिन इस नई सरकार में मेरा कुछ ऐसा मुद्दा है जो हम शुरू से यहाँ सदन के अंदर बोलते रहे। सबसे पहले तो ये झारखंड सरकार पूर्व मंत्री मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन के द्वारा जो छत्तीसगढ़ का शराब मॉडल शराब बेचने का काम इन्होंने शुरू किया, और उस दिन मैंने विधानसभा के अंदर में इसका विरोध किया था गुरुजी के सम्मान में, और सदन से बाहर भी हमने इस बात को रखा कि हमारे माननीय गुरुजी सारे मजहब के लोगों को हर जगह नसीहत देते रहे हैं कि शराब से थोड़ा दूर रहा करो, लेकिन ये सरकार ने नहीं माना। और आज मैं इस नई सरकार में, माननीय चंपई सोरेन जी की सरकार में, भाई इनसे भी आग्रह करता हूँ, ये मेरा एक मुद्दा है कि आप जितना जल्द हो यहाँ शराब बिक्री नहीं हो, नशाबंदी इसको लागू करें। वहीं लोबिन हेम्ब्रम ने झारखंड में विस्थापन आयोग का गठन करने की मांग की है। विस्थापन आयोग का गठन हो, आज कितने लोग विस्थापित हो चुके हैं। अभी धनबाद में आप जाएंगे, जो जमीन के मालिक है उसके खेत के नीचे, उसके खेत के नीचे जमीन के नीचे कोयला है, अबरक है, तांबा है, यूरेनियम है, लेकिन इतने लोग विस्थापित हुए हैं, बहुत लोग ट्रेसलेस हो गए हैं। तो मैं इस सरकार के नई सरकार से मांग करता हूँ कि आप विस्थापन आयोग का गठन करें, ताकि यहाँ के लोगों को जगह मिले और अपना रह सके। तो आज विस्थापन आयोग का भी गठन नहीं हुआ है। वहीं लोबिन हेम्ब्रम ने CNT SPT एक्ट को सख्ती से लागू करने की मांग की है। उन्होंने आदिवासियों के उन जमीनों को भी मुफ्त कराने को कहा है जो हड़प ली गई हैं। यहाँ के मूलवासी, यहाँ के आदिवासियों के लिए, और अंग्रेजों के द्वारा हमारे लोग लड़ाई लड़े थे, बलिदानी लोगों ने दी थी, खून बहाया था, बहुत लोग फांसी के तख्ते पर लटके, तो संथाल परगना में SPT एक्ट बना और छोटा नागपुर में CNT एक्ट बना, और इस एक्ट के अधीन नियम के मुताबिक यहाँ का जमीन ट्रांसफरेबल नहीं है और न सेलेबल है। लेकिन यहाँ राज्य अलग होने के बाद इस बात को भी हमने सदन में रखा था, और इसके लिए हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने एक स्पेशल सत्र के अंदर में ही उन्होंने एक कमेटी का गठन किया था, लेकिन उसका भी कुछ फलाफल नहीं रखा, नहीं हुआ, जिसमें सभापति रखा गया था स्टीफन मरांडी जी को, मात्र एक मीटिंग या दो मीटिंग बुलाई थी। बाद में जिला से हम लोगों ने जो DC वगैरह को हम लोगों ने मांगा था रिपोर्ट कि आपके ज़िले में कितना कितना जमीन का ट्रांसफ़र इधर उधर हुआ है, उसका प्रतिवेदन देंगे, लेकिन वो भी नहीं मिला। हेम्ब्रम ने पैसा एक्ट लागू करने की मांग की है। उन्होंने ग्राम सभा की मंजूरी के बिना राज्य या केंद्र सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण नहीं करने की मांग की है। पैसा एक्ट जो 1996 केंद्र सरकार के द्वारा बिहार के टाइम में ही दिया गया, लेकिन राज्य अलग होने के बाद झारखंड में, बिहार में नशाबंदी लागू हो गया था, थोड़ा संभूल रहे थे, ठीक है, लेकिन झारखंड में नहीं हुआ। और ये पैसा एक्ट जो यहाँ के लोगों का मूल कवच है, आज ये शेड्यूल एरिया बना। आखिर शेड्यूल एरिया क्यों बना? ये शेड्यूल एरिया में खास करके आदिवासी और मूलवासियों का जमीन कैसे बचेगा, और वहाँ ग्राम प्रधान के द्वारा जो ग्राम संचालित होता है, पैसा एक्ट लागू होने के चलते, नहीं लागू होने के चलते
वो कमजोर पड़ रहा है। ये पी पैसा एक्ट सरकार इसकी तत्काल घोषणा करे कि हम इसको लागू करेंगे। लोबिन हेम्ब्रम की इन मांगों को किस हद तक चंपई सरकार मानेगी ये तो वक्त ही बताएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।